अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज आपको मैं ब्रिजेस के साथ जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन्स हो रही थी कि वो कह रहे थे कि अगर हम एक कप बनाते हैं तो उसका जो हैंडल होता है उसको हमें कर्वी शेप मिलाना होता है, तो उसका आप बता दें। तो ये तो बहुत ही ईजी है और मैं यहाँ से मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो आज हम सीखेंगे कि ब्रिजेस वगैरह जो होती हैं या कर्वी शेप्स जो होती हैं वो आप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे क्रिएट भी जा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट में गई हूँ, यहाँ से मैं कोने में पे विजिट्स में जाकर एक सिलेंडर की शेप लेती हूँ अपना कप बनाने के लिए। इस तरह से हमने है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जा रही हूँ होली पर मेट्रिक्स में। यहाँ से मैंने अपने सिलेंडर को सिलेक्ट किया, ठीक है, और ये हम इस तरह से एक शेप बनाते हैं, ठीक है। फिर जैसे इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, इसको हमें क्या करना है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है, फेसेस में गए हैं हम, और मैं इसके लिए मेरे फेसेस हैं इनको शिफ्ट प्रेस करके, डिलीट कर दूँ, ठीक है। अब हम दोबारा अपने ऑब्जेक्ट में से जाते हैं, आर प्रेस करके थोड़ा सा, आर प्रेस करके इसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल ई किया मैंने, ये कंट्रोल ई प्रेस किया मैंने। कंट्रोल ई प्रेस करके हम इसकी थिकनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और इसको थोड़ा सा मैं ऑफसेट कर देती हूँ। थोड़ी सी नेचुरल कप की शेप है। इसके बाद वर्टेक्स में जाकर इसके नीचे वाले जो वर्टेक्स हैं इनको हमने सिलेक्ट किया है, आर मैं प्रेस करती हूँ, इनको हम थोड़ा सा इस शेप में आते हैं, इनको थोड़ा सा हम इस शेप में ले आए हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जा रही हूँ। अच्छा, तो बात यहाँ पे आती है अब हमारे हैंडल की, तो हैंडल बनाने के बहुत इजी तरीके होते हैं। सबसे पहले जो एक बहुत इजी तरीका हमारे पास वो होता है, वो ये होता है कि हम प्रिमिटिव्स में जाके हमारे पास इन्होंने ऑप्शन हमें दी होती है टॉलर्स की, जो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी सिखाई थी कि हम इस तरह से जो है एक टॉरस जो है उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके फे ये हमारे पास आ गया, इसको फेस में जाकर इसको हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। इसके फेस में जाकर इसके जो हाफ फेसेस हैं इनको हम कर देंगे डिलीट, ठीक है। अब ये हमारे पास बड़ी ही आराम से एक इजीली जो है एक कर्व की शेप आ गई है, इसको अब हम कर देंगे रोटेट। यहाँ देखिए, एक बहुत ही आराम के साथ इसकी हमें कर्वी शेप जो है वो मिल गई है। बहुत ही इजी है ये, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरा अब हमारे पास आता है काम के, हमने ब्रिजेस बनाने हैं। ब्रिजेस बनाने से पहले इसको हम क्या कर रहे थे, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया है। मॉडलिंग बार में अपने हम जाते हैं, मैश में जाकर इसको हम कर देते हैं कंबाइन। अभी हमारे पास एक कप है ना, हमारा आराम से एक रेडी हो गया है, इसमें हमें कोई वो कोई बहुत ही कम्प्लेक्सिटी वाली बात नहीं है, इसमें इसके कर्व्स बनाना, इस तरह से हम आराम से जो है वो शेप्स बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात आ गई ब्रिजेस बनाना, इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलीगन प्रिमिटिव में यहाँ से मैंने एक क्यूब सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से बैठ के क्यूब बना लिया, ठीक है।
इस क्यूब के बनाने के बाद में फेस में जाती हूँ, फेस से मैंने इसका जो ऊपर वाला फेस है इसको मैंने डिलीट कर दिया। वापस अपने ऑब्जेक्ट में जाते हैं हम, कंट्रोल डी प्रेस करके, कंट्रोल डी प्रेस करके मैं इसको करती हूँ डुप्लीकेट। ये मेरे पास अभी सेम ऑब्जेक्ट आ गए हैं, ठीक है। अब मैं इनको करूँगी शिफ्ट प्रेस करके, दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, वैसे सेम हम जाएंगे मैच में, मैच में जाके हम इनको कर देंगे कंबाइन। अभी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं इसके एजेस में गई हूँ, एजेस में जाकर मैंने डबल क्लिक करके इसके ऊपर फ्रंट के एजेस हैं इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब सेम यही काम मैं यहाँ पे करती हूँ, शिफ्ट प्रेस करके डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पे एजेस को जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये मेरे दोनों एजेस जो है इसके सिलेक्ट हो गए हैं। अब जो है मैं जाऊँगी यहाँ पे मैं एडिट मैच में, सॉरी, ये हमारे पास स्पीच टूल का ऑप्शन है, ठीक है। इसकी हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं लीनियर पाथ, स्मूथ पाथ, स्मूथ पाथ प्लस कर्व, ठीक है। इन तीनों में से हमें चूज करना होता है। तो जब हमें ब्रिज बनाना होता है कर्वी शेप में दो ऑब्जेक्ट्स मतलब एक ऑब्जेक्ट के दरमियान में, तो हम स्मूथ पाथ प्लस कर्व को चूज करते हैं, ठीक है। अभी हमारी चूज है, अब मैं ब्रिज को बनाती हूँ, तो अभी देख रहे हो बहुत ही आसानी से उनके बीच में ब्रिज शेप जो भी है वो बन गई है। तो जिस तरह से हम कप भी आराम से कप के जो हैंडल्स होते हैं उनको बना लेते हैं, और इस तरह से हम ब्रिज को कर्वी शेप में भी ला सकते हैं, तो ये बहुत ही ईजी है। जिन स्टूडेंट्स को इशू हो रहा था वो चाह रहे थे कि मैं इसको रिपीट कर दूँ, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कप बनाना बहुत ही आसान काम है, ठीक है। तो आज का आपका जो टास्क था वो ये था।